हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केवल शाह हियर फ्रॉम एफिलिएट ग्रुप। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अवर वीकली अपडेट वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम 23 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द एग्जाम इंडस्ट्री को हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी ये जो वीकली वीडियो सीरीज़ हैं उसमें हमने एक न्यू फीचर ऐड किया था ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो हमारे लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट करके हमको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि न्यू EBRC का जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है वो आ जाने के बाद अभी जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक को सबमिट करने कंपलसरी हैं या नहीं। इसका आंसर ये है कि न्यू EBRC का सिस्टम आने के बाद EBRC जनरेशन के लिए आपको एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत है बैंक को फॉर EBRC जनरेशन। लेकिन अगर बैंक को एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कोई अदर पर्पज़ के लिए चाहिए तो दैट यू हैव टू डिस्कस विद द बैंक ऑन अ केस टू केस बेसिस। सो अगर आपके ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड हम उसको हमारे नेक्स्ट वीकली जो वीडियो होगा उसमें हम उसको आंसर करेंगे। न्यू गवर्नमेंट के 100 डेज पूरे हो चुके हैं इन ऑफिस एंड उन्होंने एक लिस्ट इशू की है ऑफ 10 इनिशिएटिव्स दैट दे हैव टेकन इन दिस 100 डेज विच इज़ एम्पावरिंग एक्सपोर्टर्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस। द फर्स्ट इज़ लॉन्च ऑफ ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। द सेकेंड इज़ एनहांस्ड इंश्योरेंस कवर्स फॉर MSMEs। द थर्ड इज़ रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन थ्रू सेल्फ जनरेशन ऑफ EBRC। फोर्थ इज़ कनेक्टिंग SMEs टू द वर्ल्ड थ्रू e-commerce export hubs. The fifth is reducing the transaction cost for MSMEs on the GeM portal. The sixth is Bharat Mart in Dubai. Seventh is Jan Sunwai platform. Eighth is improvements in the organic regulatory framework. Ninth is introduction of export benefits like drawback, RoDTEP, RoStel for e-commerce and courier exports. And the tenth is rollout of IceGate portal for all non-IT, ITES, SEZs. इंडिया एंड बांग्लादेश ने जो अग्रीमेंट साइन किया था टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीस, उसको आज एक साल हो गया है। लेकिन एक साल होने के बाद भी ये अग्रीमेंट कुछ इतना वर्क होता हुआ दिख नहीं रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश को $14 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं एंड बांग्लादेश से $2 बिलियन ऑफ गुड्स इम्पोर्ट किए हैं। ये टोटल ट्रांजैक्शन में से लेस देन $2 मिलियन का जो ट्रांजैक्शन है वो INR में हुआ है, विच इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट नंबर। इसके ना वर्क होने के पीछे मेजर रीज़न है कि द लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट DGFT एंड CBIC नोटिफिकेशंस। DGFT ने October 24 से September 2025 तक के लिए शुगर एक्सपोर्ट कोटा फॉर EU अंडर द TRQ स्कीम को अलॉट कर दिया है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कोटा इज़ 5841 मेट्रिक टन ऑफ शुगर्स। दिस कोटा विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई एपेडा न्यू दिल्ली एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन विल बी इशूड बाई DGFT मुंबई ऑफिस इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। DGFT ने एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस को जो बैन किया था अब उन्होंने वो बैन को रिमूव कर दिया है विद अ कंडीशन ऑफ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ $490 पर मेट्रिक टन। इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप टैबलेट्स PCs को DGFT ने December 31st 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। ऑल द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स विल नाउ बी ऑटोमेटिकली वैलिड टिल 31st December 2024 एंड 1st January 2025 के बाद इम्पोर्टर्स को न्यू सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना होगा एज पर द गाइडलाइंस जो DGFT जल्दी इशू करेगी। CBIC seeks to impose anti-dumping duty on isobutylene isoprene rubber, that is IIR, and anodized aluminium frames for solar panels and modules. International logistics की अगर हम बात करें तो Shipping Corporation of India ने 5 new container ships को acquire किया है। This is a welcome step because India को खुद के ships की बहुत ज़रूरत है। As of now, इंडिया का मोर देन 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम इज शिप थ्रू फॉरेन वेसल्स। सितंबर मंथ में फ्रेट के रेट्स काफ़ी रिड्यूस हुए हैं ड्यू टू स्लगिश एक्सपोर्ट्स।
September rates for a Dubai shipment is $550 per 20 feet and $1050 per 40 feet, जो पहले के महीनों में अराउंड $625 एंड $1250 होता था रिस्पेक्टिवली। हमारी ये जो वीकली अपडेट की वीडियो सीरीज़ है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू एग्जिम स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस ओनर्स एंड ऑल द प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन द एग्जिम फील्ड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद सच न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks a lot for watching.